छठ महापर्व की शुभकामनाओं के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा आप सभी का प्राइम टीवी में स्वागत करती हूं। देश में छठ पूजा की धूम देखने को मिल रही है। छठ महापर्व की छठा खास तौर पर यूपी बिहार में देखने को मिलती है, जिसके चलते कई भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक गीत गाए जाते हैं, भक्तिमय माहौल हो जाता है। वही लखनऊ में भी गोमती किनारे छठ पूजा की पूरी तैयारी की गई है। संध्या पूजा के लिए बेदी से लेकर गोमती के जल का खास अंदाज में प्रबंध किया गया है, साथ ही शौचालय और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए छठ पूजा से जुड़ी हमारे संवाददाता नितिन की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के गोमती नदी के किनारे पर मौजूद हैं और यहां पर महाछठ पर्व की जो तैयारियां हैं वो लगभग चल रही हैं। आज थोड़ी देर बाद यहां पर बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होंगे, महिलाएं इकट्ठा होंगी जो छठ पर्व मना रही हैं, और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। फिलहाल इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर पूजा पाठ को लेकर सारी तैयारियाँ जो हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये गोमती नदी का किनारा है और अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर सामने एक मंच बनाया गया है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि छठ पर्व में जो भक्ति गीत हैं छठ पर्व के वो बजेंगे, तभी जो मन होता है वो लगता है छठ पर्व में। और उसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ से यहाँ का जो सिलसिला है वो पूरा पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। ये वेदियाँ बनाई गई हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन वेदियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है बनाने का। इसके अलावा इसके आगे हम चलेंगे तो ये वेदियों का जो सिलसिला है इसी तरह से चलता हुआ गया हुआ है वहाँ तक। और इसके अलावा यहाँ पर पूजा करने के लिए, क्योंकि देखा जाता है कि पूजा करने के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जो महिलाएं हैं वो खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तो गोमती नदी की जब ये बैरिकेटिंग हो गई है तो उस बैरिकेटिंग के बाद अब यहाँ पर ये जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो जगह हैं, इन्हीं में पानी भरा जाएगा और यहीं से ही जो महिलाएँ होंगी उसके अंदर पूजा करेंगी खड़े होकर के, और यहाँ पर जो डूबता हुआ सूर्य होगा उसे अर्घ्य दिया जाएगा। इसी तरह से ये सिलसिला और भी आगे गया है और पूजा से जुड़ी हुई जितनी भी प्रमुख चीज़ें होती हैं वो उनको पूरा किया जा रहा है और निगरानी भी रखी जा रही है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो। और आप देख रहे हैं कि ये जो निगरानी है वो चल रही है। फिलहाल यहाँ पर जो आयोजक हैं जिनकी निगरानी में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, जो सारी तैयारियां हो रही हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे का क्या कार्यक्रम है, कितनी देर में यहाँ पर जो लोग हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की चीज़ें हैं वो भी रखी गई हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है, शौचालय बनाया गया है और कुछ VVIPs भी शाम को उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रमोद सिंह राजन जी हैं जो कि यहाँ पर इस क्षेत्र के पार्षद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी तैयारियाँ करी हुई हैं इन्होंने और आगे और इस तैयारी को कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। नितिन जी, श्रद्धा और संस्कारों का यह त्यौहार है, लोग सूर्य की उपासना करते हैं, माता को मनाते हैं, अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं। आप देख रहे हैं इस घाट को नदी बनने के बाद ये पूरी तरह से पट चुका था, इसका लगातार हम लोग जीर्णोद्धार करके इसको घाट नए घाट को बनाया जा रहा है और लोगों में बहुत श्रद्धा भाव यहाँ आपको देखने मिलेगा। बहुत सारी माताएं बहनें, और चूंकि कोविड का काल चल रहा है तो हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन कर रहे हैं, एक बराबर दूरी बनाई गई है। आपने देखा कि हम लोगों ने केबिन के रूप में कि एक परिवार दूर दूर बैठकर पूजा कर सके, उनके लिए गद्दे का इंतजाम, अगर आप दिखाना चाहेंगे तो आप इसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने गद्दे लगाकर अलग अलग तरह से व्यवस्था कराई है, टब्स लगाए गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो पारंपरिक नृत्य होते हैं, पारंपरिक कला है, उसका इंतजाम किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने जो बहुत पुराना यहाँ का पंचमुखी हनुमान जी का घाट था, उस घाट को आप देखेंगे पूरा बंद हो चुका था, लगातार 3-4 सालों से हम इस पर लगातार काम करते हुए इस घाट को हम लोग और अच्छा सुंदर करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक आएँ और कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इस पूजन को करें और लोगों की कल्याण की, अपने बच्चों के कल्याण की कामना करें। ठीक है सर, धन्यवाद। और भी जो चीज़ें हैं जिसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए, ये जो घाट हैं जिन घाटों की बात करी जा रही थी, क्योंकि घाट सबसे प्रमुख होता है छठ पूजा में,
और उन घाटों को अगर बेहतर तरीके से बनाया जाए तो पूजा भी कहीं ना कहीं करने में आसानी होती है। और माता को जिस तरह से मनाया जाता है, छठी मैया को जिस तरह से मनाया जाता है, उनके लिए ये घाट बहुत ही अहम होते हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर पानी भरा गया है और यहाँ से भी जो अर्घ देने की, जो सूर्य को प्रणाम करने की जो मुद्राएँ होंगी, महिलाएँ यहीं से वो देंगी। और ये वो वेदियाँ हैं, ये वो घाट हैं जो घाट इस वक्त गोमती नदी के किनारे बनाए गए हैं। कुछ दिनों पहले ये सुनसान जगहें हुआ करती थी, लेकिन अब छठ पूजा है और छठ पूजा होने के दौरान यहाँ पर जो रौनक होती है वो रौनक बहुत बढ़ जाती है। और उसी का ही ये प्रमाण है कि यहाँ पर जो घाट हैं उन घाटों को सजाया जा रहा है, घाटों को बनाया जा रहा है, ताकि थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर जो लोग आएँ, जो महिलाएँ आएँ पूजा करने के लिए, वो बेहतर तरीके से इसे कर सकें, उनको कोई भी समस्या ना हो। और उसी को देखते हुए सारी तैयारी की जाएंगी। फिलहाल छठ पूजा को लेकर जिस तरह से जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो छठ मैया को मनाती हैं ताकि उनके बच्चों की आयु बढ़ सके, उनके जितने भी घर में लोग हैं उनकी आयु बढ़ सके, वो स्वस्थ रहें। और आज भी उसी तरह का ये जो सिलसिला है वो देखने को मिलेगा, छठी मैया को मनाने की जो परंपरा है वो देखने को मिलेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। पूर्वांचल में छठ पूजा का काफी महत्व है। गोमती किनारे को वृंदावन की तरह सजाया गया है। पेड़ों पर झालर, चारों ओर रोशनी, घाट जगमगा रहे हैं। शाम को अर्घ की पूजा पूरी हो चुकी है और सेवादारों ने पूरी श्रद्धा के साथ भक्तों की सुविधा और पूजा का ध्यान रखा है। फूल की सड़क और छोटी नदी का भी निर्माण किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। बहुत बड़ा त्यौहार है, क्या कुछ तैयारी है छठ पूजा को लेकर की गई है? छठ मैया जो है का व्रत जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसको माता कुंती और सीता मैया सभी ने किया है। और उसी क्रम में आज हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं। पिछले 27 वर्षों से ये छठ का जो है कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और ये आप देख रहे होंगे सारा नज़ारा हमारा है, पूरा वृंदावन की तरह सजा हुआ है। आज शाम से यहाँ पे शाम का अर्घ शुरू हो जाएगा, जिसमें यहाँ के लड़कों ने पूरे जो भी हमारे सेवादार, जो भी मित्र हमारे भाई बंधु हैं, ये पूरी फूल का रोड बना रहे हैं। अभी फूल सारे तोड़े जा रहे हैं, पूरा फूल का रोड दे रहे हैं। यहाँ पे एक हम लोगों ने कृत्रिम नदी बनाई है छोटी सी, जिसमें सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और बाकी फूल मालाओं से सारी सुसज्जित कर दिया गया है। और शाम के 5:45 पर सूर्य को अर्घ देना है। इसको क्या मानते हैं कि शासन और जो नगर निगम लखनऊ है, कहाँ तक आपको सुविधाएँ दी गई हैं, सहयोग दिया गया है? यहाँ पर शासन प्रशासन, सभासद, मंत्री, विधायक, किसी का कोई सहयोग नहीं होता है। यहाँ जो भी सहयोग करते हैं वो देखिए सारे सेवादार वहाँ पे बैठे आपको काम करते हुए दिखेंगे। आप, मैं चाहूँगा एक बार आप दिखा दीजिए, वो देखिए सारे सेवादार वहाँ पे फूलों को तोड़ रहे हैं, सारे काट रहे हैं, सारे हाथ में, जितने भी ऐसे कोई लड़के नहीं होंगे जिसके हाथों में कांटे, पीठ में चोट ना लगी हो, ये सारा यहाँ के लोग करते हैं। बाकी सहयोग किसी प्रशासन का कोई सहयोग नहीं होता है, इस घाट पर कुछ नहीं होता है। जो पूजा करने के लिए लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है? इनके लिए देखिए यहाँ मेडिसिन की व्यवस्था है, दो डॉक्टर हमारे अपॉइंट हो जाएंगे, उनके लिए कैंप बना दिया गया है। चाय की व्यवस्था, रात में ठंडी बहुत बढ़ गई, उनके लकड़ियों की व्यवस्था है, फूलों की पूरे रास्ता बना रहे, दूध की व्यवस्था है, जो सुबह जिससे अर्घ देते हैं उनके लिए फूल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ की गई। और साथ ही साथ दो गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, जो ऐसे निर्धन लोग हैं या जो ऐसे कमज़ोर लोग हैं जो नहीं आ सकते घाट पर किसी वजह से या आने में दिक्कत होती, उनके लिए गाड़ी उनके लिए लाने ले जाने के लिए परमानेंट रख दी गई है। इतनी जो है हम लोग की सहयोग कमेटी की ओर से की जा रही है। अस्तांचल सूर्य की आराधना की जा रही है, यानी शाम के वक्त जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, आज अब वो चालू हो चुका है, यानी कि अब शाम से लेकर सुबह तक पूजा अर्चना की जाएगी। अब भक्तों को इंतजार है सूर्योदय का। भक्त छठी मैया को खुश करने के लिए शाम से सुबह तक करेंगे छठ मैया की पूजा अर्चना। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम।